Hey, what's up guys? Long time no see. How are you all doing? कैसे हैं आप सब लोग? मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, गुफ्तगु नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, तो मैंने कहा यार आज आप लोगों से चलो बात करते हैं, व्लॉग बनाते हैं बेसिकली। शाम के 8:15 बजने वाले हैं और ऑफिस से आज काफ़ी लेट हो गया था, काम वाइंड अप करने में, रैप अप करने में, तो बस थोड़ी देर आराम किया, बाहर हवा ले रहा था अच्छी खासी। जैसे कि आप लोगों को पता है गर्मियाँ आ गई हैं, समर्स आर हेयर। वैसे तो वेदर हाइड एंड सीक प्ले करता है, आई मीन सन हाइड एंड सीक प्ले करता है, वेदर का कुछ पता नहीं चलता, कभी रेनी होता है और कभी एक्सट्रीम हॉट होता है। आपने सुना ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा यू नो हीट वार्निंग्स और हीट वेव चल रही है, और कनाडा के अंदर कुछ वैंकूवर साइड और ब्रिटिश कोलंबिया साइड कुछ जंगलों में आग भी लग रही है। तो देर हैव बीन फ्यू डेथ्स एज वेल, 130 डेथ्स लास्ट वीक, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर। एक लिटन करके एक जगह है ब्रिटिश कोलंबिया में, वैंकूवर से 150 किलोमीटर नॉर्थ पे, जहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ी थी तो 49.5 डिग्री सेल्सियस हो गया था। वैसे तो आप सब लोग भी सरप्राइज हो रहे होंगे, हम भी सरप्राइज हो रहे थे व्हेन वी हर्ड दैट कि भाई कनाडा में भी गर्मी। वेल इट्स ट्रू, ऐसा ही है, और काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर गया उस तरफ उन दिनों। हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हाई हीट वेव्स और वार्निंग लू चल रही थी जिसको कहते हैं। आज थोड़ा मौसम प्लेजेंट है, दिन में थोड़ी गर्मी थी बट अभी अगेन प्लेजेंट हवा चल रही है, 18-20 डिग्री होगा विच इज़ क्वाइट गुड, ठीक है ना। तो फिलहाल डिनर आज हमारा लेट हो गया तो, और मैंने कहा यार चलो बात करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, आपको फिलहाल अरविंद से भी मिलवाते हैं और जसमायरा से भी मिलवाते हैं अंदर चल के। काफ़ी दिन से हम लोग थोड़े से ऑक्यूपाइड चल रहे थे, मेरा ऑफिस बहुत ज़्यादा मुझे बिजी रख रहा था, सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम अनएबल टू एडिट द वीडियोज़। हमने कई सारे शूट तो किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात, वी वेंट ऑन अ वेकेशन अभी कुछ दिन पहले, उसके बारे में मैं ज़्यादा रिवील अभी नहीं करता, बट या हम अभी एक लॉन्ग वीकेंड गेटवे पे गए थे तो वी हैव कैप्चर्ड लॉट ऑफ गुड यू नो सीनिक शॉट्स और सीनरी, गुड जर्नी विच वी हैड, तो उसके बारे में भी पूरा एक कुछ वीडियोज़ बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए और कैसे आए। फिलहाल अंदर चलते हैं, जसमायरा जी से सबसे पहले मिलते हैं, फिर जसमायरा की मम्मी से भी मिलेंगे। जसमायरा जी इज लिटिल बिट क्वाइटर राइट नाउ। जसमायरा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू सो क्वाइट, यू वांट टू से हाय टू एवरीवन, यू वांट टू से हाय, हुहु ही ही हुहु हा हा हाय। एनीवेज कोई बात नहीं, जसमायरा से मिलते हैं, बट उससे पहले जसमायरा की मम्मी से मिलते हैं। जसमायरा की मम्मी जी, हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग? आज हम भिंडी बना रहे हैं, आज भिंडी खा लो, बहुत टाइम से भिंडी नहीं खाई और कल भिंडी मिली है थोड़ी अच्छी वाली, तो वी जस्ट थॉट कि चलो आज भिंडी बनाते हैं। ये ओकरा वैसे तो यहाँ पे कम मिलती है, अच्छी आई वुड से जंगली भिंडी ज्यादा मिलती है, बट लकीली हमें इस बार थोड़ी सी अच्छी भिंडी मिल गई एंड आई गॉट इट फ्रॉम लाइक सुपर स्टोर राइट। सो भिंडी का कब तक का फिर प्रोग्राम है बनने का? आधा घंटा मान के चलो बन जाएगी आधा घंटे। भाई भूख बहुत ही लग रही है, आज हम लेट हैं वैसे देखा जाए तो डिनर के लिए, जनरली हम 8 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो आज थोड़ी गाड़ी लेट चल रही है हमारी, आई होप कि हम टाइम से डिनर कर पाए। नहीं आई थिंक लाइक 7:30-8:00 ठीक टाइम है आई थिंक टू हैव अ डिनर। यहां पे आके हैबिट चेंज हो ही जाती है, इंडिया में हमारा टाइम था 9:30-9:30 बट यहां पे आके ऑटोमेटिकली आपकी मतलब आपका डिनर का टाइम, आपका सब का टाइम सब चेंज हो जाता है राइट। यहां पे बेसिकली अगर मैं बोलूं तो जनरली लोग सफर करते हैं शाम को 6:30-6:45 तक वाइंड अप कर देते हैं और फिर रात को यू नो बहुत लोग नहीं खाते हैं और 9 बजे कुछ लोग होते हैं जो you know they have like some kind of dessert or swedish kuch bhi right gunit jis mayra ko jumper mein dal do uska activity time ho gaya to jolly jumper mein dal do ha to theek hai ha to isko quiet kyun itni quiet jolly jumper mein dalo na aise to bas chale isko pani pilaya tha nahi pani pila do kafi time ho gaya to yahi hai iska ha yahi hai refill kiya tha wow yaar iski bottle to badi sahi hai yaar kaun si mini mouse ki jis mayra pani मम ओए 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 मम 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 ये हंसना नहीं जसमारा, ओले निप्पल नहीं है जिसको
बाइट करना है। हाँ मम पियो, हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो आपका जॉली जंपर ले आते हैं, मैं फटाफट इसका जॉली जंपर लगाता हूँ क्योंकि स्पेस का इशू हो जाता है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ हल्का सा उसको हाफ डिसेंबल कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम जॉली जंपर लगा देंगे और फिर जसमायरा वहाँ पे प्ले करेगी, फिर आपसे आगे की गुफ्तगू करते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप इसी को शूट करते रहे ना, ब्लॉग कभी खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कभी थकेगी नहीं जॉली जंपर। यार एक तो इस मुझे पता नहीं कैसी सी एनर्जी आ गई है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एनर्जी से जॉली जंपर में आती है भाई, रियल लाइक जंपिंग। पहले बिल्कुल भोंदू की तरह बैठी हुई थी। कब मुझे डालोगे जॉली जंपर में, कब मैं अपना एक्टिविटी टाइम करूंगी, तो इस चक्कर में। चलो ठीक है, उसका एक्टिविटी टाइम हो रहा है, आप इधर एक्टिविटी टाइम करो जरा, देख लेते जल्दी जल्दी बनाओ। मैं इतनी देर बात करता हूँ आप सब लोगों से ताकि यू नो देयर सम समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस एज वेल, मे बी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्यू ऑफ द पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर देयर पीआर्स। देखता हूँ अगर मैं यहाँ बैठ के बात कर पाता हूँ जिस मेरा बात करने देती है। तो गाइज जैसे कि आप जानते हो कि हम लोगों ने अपनी पीआर एप्लीकेशन डाल रखी है और वो प्रोसेसिंग में है ऑलरेडी, हमने अपने पहले ब्लॉग में बताया था इसके बारे में। Now we have got an update. We received an update very recently, कुछ 4-5 दिन पहले, कि they want RCMP certificate from us. What is RCMP certificate? Basically, वो एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहते हैं कैनेडा वालों से, कैनेडा से जितना टाइम हम यहाँ रहे हैं, फॉर बोथ ऑफ अस, अरवीन एंड माई सेल्फ। जसमायरा का नहीं क्योंकि जसमायरा इज टू यंग, आई वुड से शी इज इन्फेंट एंड शी इज बॉर्न सिटीजन हेयर। तो ये एक सर्टिफिकेट था या सर्टिफिकेट है जो चेकलिस्ट में नहीं होता, क्योंकि जनरली वो मांगते हैं कि प्रीवियस कंट्रीज में जहां आप रहे हो या जो आपकी नेटिव कंट्री है उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाओ, या आप जहां कुछ टाइम के लिए वर्क परमिट्स पे या किसी और कंट्री में कहीं और रहे हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वहां से लाओ क्लियरेंस। सो हम लोगों ने अपना PCC दे दिया था, मेडिकल दे दिया था, अपने वर्क या एम्प्लॉयर हिस्ट्री दे दी थी जब हम अपनी फाइल सबमिट कर रहे थे, उसके साथ साथ देर आर मेनी अदर फ्यू थिंग्स विच दे रिक्वेस्टेड अस विच वी हैव प्रोवाइडेड, बट दिस इज नेवर वी हैव हर्ड फ्रॉम एनीवन, किसी से हमने नहीं सुना कि RCMP सर्टिफिकेट देना होता है। तो वी वर लाइक क्लूलेस इनिशली जब ये अपडेट आया, सबसे पहला अपडेट आया था जब हमारा मेडिकल का अपडेट आता है, जबकि भाई योर मेडिकल इज ओके, जब वो IRCC वाले अपडेट करते हैं आपकी आपकी ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है। तो उसके बाद वेरी रिसेंटली हमें अपडेट आया है आफ्टर लाइक 2-2.5 मंथ्स हमारी फाइल सबमिट करने के बाद कि भाई RCMP सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसके लिए यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद द लोकल पुलिस स्टेशन या कमिश्नर्स ऑफिस। हमारे लोकल पुलिस स्टेशन में सेंट जॉन में उनकी फिंगरप्रिंट मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, तो हमने कमिश्नर ऑफिस में अपनी अपॉइंटमेंट ली, हमने अर्ली सुबह 9 बजे की पहली अपॉइंटमेंट ली। तो बेसिकली वहाँ पे थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं जो बेसिकली आपका ये प्रोसेस करते हैं, दे टेक योर पिक्चर, दे टेक योर फोटोग्राफ, देन दे टेक योर फिंगरप्रिंट्स थम्स के और 8 उंगलियों के, लेफ्ट एंड राइट हैंड के। उसके बाद यू नो दे विल जस्ट चेक योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो वो 2 आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं, एक आपका पासपोर्ट या एक ड्राइविंग लाइसेंस या अलॉन्ग साइड कुछ और मेडिकेयर, आई डोंट नो, आई हैवंट चेक विद हिम कि मेडिकेयर चलेगा कि नहीं चलेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली चल जाता है। नाउ वहां जाने के बाद मेरे को उनसे पता चला कि देर हैव बीन केसेस जहां IRCC आपको अपडेट भेज रहा है और मांग रहा है आप लोगों से कि हमें भाई कैनेडा से भी RCMP सर्टिफिकेट या कैनेडा से भी पुलिस क्लियरेंस ला के दो,
तो देर हैव बीन केसेस ही सेड लाइक पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हार्डली किसी से एक्सेप्शनल केस होता था उससे मांगते थे, बट रिसेंटली आई हैव बीन रिसीविंग और देर हैव बीन पीपल हु आर अप्रोचिंग हिम और कमिंग ओवर टू द कमिश्नर ऑफिस या पुलिस स्टेशन। 8 से 10 लोग एवरी डे अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं उनके पास अपना RCMP कराने के लिए। तो आई थिंक कुछ कुछ रीसेंट टाइम्स में मेरे ख्याल से IRCC वालों ने ये कुछ चेंज कर दिया है जहाँ पे दे वॉन्ट RCMP एज वेल। आई डोंट नो आप लोगों में से जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो कनाडा में हैं, जो अपनी PR प्रोसेस करवा रहे हैं, उन लोगों ने उन लोगों को ये अपडेट कोई आया हो, बट हम लोगों को आया है। तो हमने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करा लिया है। नाउ देयर इज अ बिग व्हाट यू कॉल काइंड ऑफ अ गैप। भी हमें टाइम फ्रेम दिया है उन लोगों ने, वो हमें उन IRCC वालों ने दिया है कि 1 महीने के अंदर हम लोगों को अपडेट करो अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाके कनाडा वालों से। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई वेंट देयर, जब मैंने अपना फिंगरप्रिंट और वो सब दे दिया उन, तो मेरे को जब एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिली तो उस एक्नॉलेजमेंट में लिखा था कि भाई 5 हफ्ते लग सकते हैं। तो मैंने पूछा अगर 5 हफ्ते लगेंगे इस सर्टिफिकेट को मेरे पास आने के लिए तो यार मैं कैसे उन लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगा अपना प्रूफ, एंड टाइम फ्रेम जो उन्होंने हमें 1 महीने का दिया वो तो खत्म हो जाएगा। टू विच ही सेड इट यूज टू टेक 2 वीक्स बट नाउ विद द रीसेंट राइज, तो राइज इन यू नो इंडिविजुअल्स रिक्वेस्टिंग फॉर RCMP, 2 हफ्ते से 5 हफ्ते टाइम फ्रेम हो गया है, 5 हफ्ते ले रहे हैं। क्योंकि जब आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ देते हो तो ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन ऑटवा में जाता है, ऑटवा में जाके वहाँ पे प्रोसेस होके वहाँ से डिस्पैच करते हैं RCMP सर्टिफिकेट और आपके पोस्टल एड्रेस पे आता है, मेलिंग एड्रेस पे आता है। तो जो कि पहले 2 हफ्ते लगते थे 5 हफ्ते लग रहे हैं, तो ये अगेन थोड़ा सा गैप है। तो उसका चारा उन्होंने ये बताया कि अगर आपका 1 महीने 4 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं आता तो आप वेब फॉर्म रेज कर दो और एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को अपलोड कर दो एंड दे माइट कंसीडर दैट एज वेल। सो दैट्स द अपडेट विच आई वॉन्ट टू स्पीक विद यू ऑल रिगार्डिंग द PR प्रोसेस। मे बी इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो जैसे ही आपको अगर कोई RCMP की अपडेट आती है तो इमीडिएटली आप नियरेस्ट पुलिस थाने पे जाओ और या उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट लो एंड गेट योर फिंगरप्रिंट्स एंड पिक्चर डन। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं भिंडी कहाँ तक पहुंची है हमारी। मुझे लगता है मैंने ज्यादा बात कर ली। हाँ जी, भिंडी अभी तक डली नहीं है। इट्स अंडर प्रोसेस, बन रही है, बस 10 मिनट लगेंगे। ओके तो अरविंद, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन दिस लाइक व्हाट आई हैव आई आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग के जो आप RCMP की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है इट कुड बी अ रैंडम थिंग, लाइक किसी के साथ भी किसी को भी भेज सकते हैं कोई भी फाइल पिक करके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑफिसर टू ऑफिसर। तो क्या कहते हैं, जब आपको हम वी आर स्टिल नॉट श्योर कि हमें क्यों रिसीव हुई, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड देम RPCC फ्रॉम इंडिया, बट क्योंकि वी हैव रिसीव दैट रिक्वेस्ट देन वी हैव टू प्रोवाइड इट, वी कैन नॉट डिनाई देम कि हम नहीं करवा सकते। तो जिसको भी RCMP आए प्लीज डोंट गेट पैनिक, क्योंकि अगर आपका रिकॉर्ड क्लियर है देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। राइट दिलीप? या तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। एनीवेज आई थिंक आज की वीडियो के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। लाइक जो इन्फॉर्मेशन जो हम एक्सपीरियंस करेंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। या वी जस्ट रिसीव्ड इट सो वी थॉट लेट्स शेयर इट विद यू गाइस बिकॉज़ इट कुड हेल्प यू एग्जैक्टली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट थॉट टू डू इट। बट एनीवेज गाइस, अगर आप लोगों का डिनर टाइम है तो डिनर एंजॉय कीजिए, लंच टाइम है लंच कीजिए, चाय का वक्त है चाय कीजिए, बट साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। And we'll keep bringing stuff, more and more stuff, you know, on a regular basis. Yeah. Thank you. Take Thank care. Thank you. Take care. Bye. Bye-bye, guys.